शुभमन गिल को आलोचकों ने बताया सबसे बड़ा फ्रॉड खिलाड़ी और गिल को बाहर करने का कर रहे मांग। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर शुभमन गिल को आलोचकों ने टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉड खिलाड़ी करार दे रहे हैं। जिस हैदराबाद टेस्ट मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसकी पहली पारी में शुभमन गिल ने 23 रन और दूसरी पारी में बगैर खाता खोले चलते बने। अब तक 21 टेस्ट मैचों की 39 पारियों में शुभमन गिल ने 29.53 की एवरेज से 1063 रन ही बनाए और अंतिम 10 टेस्ट पारियों में शुभमन गिल ने सिर्फ 160 रन ही बना सके। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने कहा कि शुभमन गिल को कोच राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी शैली अपनानी चाहिए। गिल मैदान पर नर्वस नजर आते हैं और विपक्षी गेंदबाज इसका फायदा उठाते हैं। भारत के दिग्गज खिलाड़ी रहे सुनील गावस्कर ने भी कहा कि शुभमन गिल को स्ट्राइक रोटेट करने में परेशानी हो रही है, यह भारत के लिए खराब संकेत है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में रिप्लेस किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो उनके जगह पे किसे रिप्लेस किया जाए, कमेंट में जरूर बताइएगा।